गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। तो आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स करवाने जा रही हूँ, ठीक है। आपको कॉपी में एज इट ऐसे नोट करना और समझना है, डेट डाल लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स आपको पता ही है, सभी नेचुरल नंबर जो भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो इंटीजर को आप ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, इंटीजर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर। यहाँ पे टी वाई लगा लेना। द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, तो 5 + 6 = 11 है, ठीक है। दो इंटीजर प्लस किया हमने, 11 आया। -20 + -6, ठीक है, इन ये भी चाहे नेगेटिव हो या कुछ भी, उनको भी ऐड करने पे क्या आया, -26। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर को और डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। 12 - 7 = 5, 7 - 17 - 10। तो जब 5 हो या -10 हो, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर्स को आप प्लस कर, वो प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा आपका, वो भी इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल 7 × 4 = 28, या -6 × 6 - 36, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, या पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका किस में होता है, एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में नहीं होता, ठीक है। डिवीज़न में हम कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर में आए, ठीक है। जैसे मान लो 17 को डिवाइड करना है 4 से, तो डिवाइड करके कितना आएगा, तो ये क्या प्रॉपर कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो इंटीजर में नहीं, फ्रैक्शन में आएगा या पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका डिवीजन में नहीं आता। सेकंड प्रॉपर्टी चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जब दो इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे पहले करो या पीछे से करो, तो क्या आंसर आएगा, ऑलवेज रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल 6 + 8 = 14, या 8 + 6 करो 14, ठीक है। 6 + 8 है तो 14 करो, या 8 + 6 करो 14 आएगा, क्या आंसर आएगा, सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर। तो आप प्रॉपर्टी पहले अच्छे से समझिए, तभी हम इसका जो चैप्टर है 1D वो कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसी तरह तो क्या होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कौन सा, एडिशन का, ऐड कर रहे हैं ना, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या माइनस के साथ भी ऐसा है, सब्ट्रैक्शन के साथ, देखो 7 - 2 क्या आया, 5। अब हम 2 - 7 करते हैं तो क्या -5 आया, तो आंसर जो है नॉट सेम। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब किस में आएगा आपका, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। जब टू इंटीजर्स को हम कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ठीक है, जैसे 9 × 3 = 27, या 3 × 9 = 27, दोनों का आंसर सेम है। -5 × 6 - 30, 6 × -5 इस -30, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। इसका भी सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का डिवीजन में नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपके दो से तीन से ज़्यादा इंटीजर आ सकते हैं, तीन या दो से ज़्यादा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 or more इंटीजर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर सम। तीन या तीन से ज़्यादा इंटीजर आप लेते हो तो आप उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे देख लो 4 + -5 + -2, आप इसको ऐड करना है तो आप पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, आंसर आपको यही आएगा। या पीछे के दो आप ऐड करो, फिर से ऐड करो, तभी भी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे देखो 4 + 5 ब्रैकेट कर लिए, पहले इन दो करते हैं फिर बाद में -12 से करेंगे, तो इनको प्लस किया कितना आया, -1 + -13, तो -12 इनको ऐड करेंगे तो -13। तो अगर हम, या फिर इसको हम ऐसे रखते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं तो -17, इसको 4 से माइनस करते हैं कितना आएगा, -30। तो सेम है आपका, यानी कि इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो आप किसी भी ऑर्डर में से ऐड कीजिए, आपका सेम प्रॉपर्टी रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 or more इंटीजर्स कैन बी ग्रुप्ड
इन एनी ऑर्डर टू फाइंड एयर प्रोडक्ट। दो या तीन से आप कोई से भी इंटीजर लीजिए और उसको कैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे 2 × -4 × -7, तब 2 × 4 = 8 करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -56। या फिर आप 4 × 7 मल्टीप्लाई कर लो, पहले 4 × 7 मल्टीप्लाई -28, फिर 2 से करो तो -56 सेम आया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें पहले दो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है ओवर फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मान लो सपोज 5 × 7 + -6 ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करोगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, दोनों को माइनस करेंगे तो 5। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, एडिशन किया, उसके बाद हम ये हम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 2 × 5 − 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -8। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि आप किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करोगे तो वो नंबर सेम आएगा। 0 + 8 = 8, 0 + -7 − 7 = 90, 0 = 19। यानी कि एडिशन ऑफ जीरो टू एनी इंटीजर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो जीरो आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है, क्योंकि ऐड करने पर वो सेम डिजिट रहता है। सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स, तो किसी भी नंबर को उसके अपोजिट से आप प्लस या माइनस करते हो तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, जैसे 5 है उसको माइनस, उसके -5 से सब्ट्रैक्ट किया 0। ठीक है, तो एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट आर कॉल्ड हमेशा आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी को अगर हम उसी नंबर को उसी से अपोजिट से प्लस या माइनस करते हैं, -17 है इसके साथ पॉजिटिव लेते हैं, ये साइन का ये प्लस का है तो 0, ये माइनस का ये प्लस का है तो 0। ठीक है, सेवन प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन। वन की क्या प्रॉपर्टी है? तो वन को आप किसी भी डिजिट से या किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो वन ब्रैकेट में ONE इज कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। आपसे पूछा जा सकता है वन नंबर में कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, आप बोलोगे वन होता है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और कल मैं इसके एक्सरसाइज 1D आपको करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लक।